और ये वो सरप्राइज्ड जगह आ गई, मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ व्यूअर्स। ये पिंड का बर्नर हॉब और ये ओपन एग्जॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं अपनी वीकेंड पे एग्रीकल्चर लैंड पे आया हुआ था अपनी फैमिली के साथ, तो सोचा कि यहाँ पर एक छोटा सा एक व्लॉग इसका भी बना लूँ, क्योंकि ये भी लैंड जो होती है इसमें रियल स्टेट है, फॉर सेल होती है, और कुछ इसका ज़रा एक कुछ यादें होंगी जो एक जगह पे जमा हो जाएंगी। और यहाँ पर तमाम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, रियल स्टेट की होती हैं, तो ये सारा एरिया जो है यहाँ पर अभी ये जो आप देख रहे हैं ये गंदम की ये बिजाई हुई भी है, तो तकरीबन कोई ये अराउंड 100 acres ये टोटल एरिया है जो वहाँ तक जाता है। तो इसमें मिक्स एंड मैच है, मुख्तलिफ लोगों की लैंड है, लोगों ने अपने डेरे बनाए हुए हैं। पर बड़ा सीनिक सा व्यू है इस साइड के ऊपर, हमारी लैंड के ऊपर ये सरसों लगा हुआ है और साथ कुछ फ्रूट्स के कुछ दरख्त हैं, फलदार आम के हैं, ये तकरीबन 2 acres के अंदर यहाँ पर अमरूद लगा हुआ है, केले के दरख्त हैं जो मेरे वाले साहब ने लगाए हुए हैं। सो इसका मैं थोड़ा सा एक साथ साथ छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स बनाता रहूँगा। और ये इसका एक यूँ 360 व्यू। लैंड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, और ये लैंड लॉट्स होती हैं जो मार्केट में समटाइम सेल के लिए भी आती हैं। वैसे यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो ठेके पर देते हैं, जिसको कहते हैं रेंटल इनकम पे। तो रेंटल इनकम भी यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी हैंडसम है, अराउंड 70-80,000 से लेके को 90-95,000 तक पर एकड़ यहाँ पर इसकी कॉस्ट है, रेंटल कॉस्ट जिसे हम ठेका कहते हैं। तो पर एनम पे होती है जो कैलकुलेट होती है। तो बाकी साथ साथ देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं और अपनी मेमोरीज जो है वो कलेक्ट करते हैं। बड़ा खुश है इस गली आंदे रास्ते, जेड़ा खुश हो गया वली। चलो आगे आगे मामा के पास जाओ, भागो 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 भागो। मूलियां भी पड़ी हुई है, मूली का जायका नॉर्मल मूली वाला ही था। तो यहाँ पर कोई ऑस्ट्रेलिया की मूली थोड़ी आएगी? नहीं नहीं, आम ही मूली जैसे यार क्यारी में लगाती होती थी ना मामा, वो मीठी मूली होती थी। अच्छा, ये इसका नॉर्मल। गिदड़ों ने कुत्ती को मार दिया तो ये बड़ा, ये भी ये रखा हुआ, ये तो बड़ा बड़ा डॉगी रख लेते, छोटा है बुरी, ये तो ये रहेगा, तो ये तो बदनसला सा लग रहा है। अच्छा, वफादार ही होता मांगते हैं। चलो जी, ये हमारे डेरे का डॉगी है, इसकी भी वीडियो बन गई है, और इसका नाम मोती है। मोती है, मोती। ये जी हमारी एक छोटी है और एक बच्ची है, ये उसका क्लोजअप, ये थोड़ी सी डरती है इसलिए मैं इसके करीब नहीं जा रहा। और ये इनका 3 महीने का गोबर जो जमा हुआ हुआ है, तो खैर ये ऑर्गेनिक खाद। ये एक सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है जो डेरों पे डंगरों के लिए करते हैं ताकि उन्हें सर्दी ना लगे, और इसमें ये सिंपल से पिलर और ये गार्डर डलते हैं कंक्रीट के, तो इस तरह से उनकी शेडिड एक जगह बन जाती है। और वैसे ऊपर मैं इधर से देखता हूँ, बैक साइड पे एक बना रहे थे, वो भी दिखाता हूँ आपको, वो भी बन रही है। ये वैसे ही अबू जी ने शौक के लिए थोड़ी सी जगह एक कंस्ट्रक्ट कराई है, ये देखें, ये उसकी वो ये खड़े होने की जगह, और इस तरह ये सारी ये लैंड बन रही है। सो एक ये इसका बिल्टअप एरिया इतना सही थोड़ा सा होता है,
बाकी तो सारी वली क्या कर रहे हो? ये सारे यहाँ पर जो है वो अमरूद के, हाँ अमरूद का बाग है, साथ ये सरसों लगी हुई है और नींबू है, किन्नू है, उस साइड पे आम लगा हुआ था वो मैं उधर से दिखाता हूँ अभी आपको। इस साइड से देख के आपको आइडिया हो जाएगा, काफी फर्टाइल लैंड है जिसकी वजह से एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स इन पाकिस्तान इस एग्रीकल्चर लैंड लॉट की जो रेंटल इनकम है वो काफ़ी हायर है क्योंकि इसकी फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इस साइड पे। मेजॉरिटी जो यहाँ पर पानी लगता है वो नेचुरल रिसोर्स से लगता है, तो जो कि जिसे हम कहते हैं नहरी निज़ाम या दरियाओं का जो चश्मों का पानी आता है, इंडिया से आता है वैसे, यहाँ पर जो पानी आता है नाला है उसे कहते हैं। वो मैं इसमें फर्दर एडअप भी कर दूंगा जो यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, सो उनका एक फीडबैक भी लेंगे इंशाल्लाह। और ये इसके साथ कंस्ट्रक्टेड एक ट्यूबवेल का एरिया जहाँ पर ये बच्चे ये पानी लगाने के लिए और डंगरों को पानी पिलाने के लिए ये एक कंक्रीट की है सॉलिड। ऐसा कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है तो साथ ये ट्यूबवेल आ गया और ये इसकी जगह जहाँ पर बच्चे अभी खेल रहे हैं पानी लगाने के लिए। ये ट्यूबवेल का सारा जमीनी पानी है ना, ये तो सारा है ना, यूं ही है ना। वैसे खालों में आता है पानी, खालों में पानी आता है, आता है पानी एक का, अभी तो बंद किया हुआ है ना पीछे से। अच्छा, अभी बंद नहीं है ना। सही है, ये जितना भी मतलब रखा है ना तकरीबन 100 से अभाव है, ये मुकम्मल का मुकम्मल जो है ना नाला एक की मतलब मदद से ये जो है ना खराब होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब दो तीन फसलों की होना जो भी मामला हो, जितनी भी फसल काश कर रही है। तो ट्यूबवेल कब चलाते हैं फिर आप लोग? ट्यूबवेल वैसे जब जरूरत पड़ती है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, चारों चारे को मतलब ये जो जानवरों का चारा है उसको अगर थोड़ा सा लगाना हो पानी। सही है, जरूरत पड़ती है जब अगर मतलब पानी है नाला है मतलब नाला आता है तब इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा अच्छा, अच्छा। ज्यादा नहीं पड़ती वैसे जो है ना पूरा साल है। ये एक वही नहीं है ये कश्मीर से जो आता है ना? जी जी, वो ये एक जो इंडिया से आता है। इंडिया से आता है, सही सही। चल ठीक है, ओके शुक्रिया। क्योंकि मुझे इतना नहीं पता, मैं तो खुद पहली दफा आया हूँ। अच्छा, ये आम लगा हुआ, ये वाला आम के बूटे, ये छोटे भी पौधे उनके ही हैं, वो दूसरी तरफ भी ये आम का पौधा है। तो ये जंगला क्यों लगाया हुआ इसको? जंगला हमने इसकी हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए लगाया, क्योंकि ये इसको जानवर और या वैसे कोई जो मतलब शेड वगैरह और ये समझ लेंगे मतलब ये जो जंगली जानवर है ना वो भी इनको मतलब तबाह ना करें। अच्छा, ये सारा अमरूद लगा हुआ है? जी जी, अंगूर और ये पौधा है किन्नू का। ये किन्नू है, ठीक है। ये आम से दरख्त वैसे छाऊं, वैसे जंगला अच्छा लग रहा है ये लगा हुआ, जो कंस्ट्रक्शन सी वो उसकी वायर से की हुई है इन्होंने, क्योंकि जब ये पौधा अपने मतलब मजबूत हो जाता है ना तब इसको उतार लेते हैं हम। अच्छा, तब उतार लेते हैं। और ये पपीते का बूटा है, ये पपीता लगाया हुआ सर? ये पपीता है, ये अबू ने लगाए हैं सारे? जी, ये आपके अबू ने और हमारी, हम दोनों ने। ये कहाँ से लेकर आए हैं सारे पौधे? सारे हम मतलब मुख्तलिफ जगह से लेके आए हैं, कुछ ये केले का भी पौधा ये बड़ा हो रहा है, ये पीछे भी मतलब आम ही है, ये सबसे बड़ा पौधा है आम का यही है। अच्छा, ये भी केला लगा हुआ है और साथ आम का पौधा लगा हुआ है। ये वाला जो ये जला हुआ सर, ये केले का पौधा है। तो जला हुआ क्यों है सर? ये अभी तो हमने इसकी प्योंद की है। अच्छा, प्योंदकारी की है, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास बूटे पौधे सारे, ये तो काफी सारे फलों के। हाँ जी, हाँ जी, अच्छी खासी रेंज है यहाँ पर, बहुत सारी अकसाम है। हमने मतलब बड़ी बड़ी दूर से भी कुछ ना कुछ एक दो पौधा लेके आए हैं। अच्छा, हाँ जी, ये हमारे जानवरों के लिए चारा, 2 एकड़ और 2 एकड़ हमारे ये बगीचे बाग है, तो अच्छा खासा। ये तो सारा वो अमरूद लगा हुआ बीच में, बड़ी बड़ी मतलब सरसों का तेल जो हम लगाते हैं और जानवरों को भी लगाते हैं और जानवरों को देते भी हैं। अच्छा, वैसे भी हाँ जी, सरसों का तेल जो है ना ये बहुत अच्छी है हमारे पास जो है ना इसकी। सही है जी सर। ये शायद की मक्खी, मैंने कहा इसका क्लोजअप लूं। जी सर, ये उसका वो रस चूस रही थी उस साइड से है अभी सर। अच्छा, बड़ा जरूरी बना हुआ यार, है ना। हाँ, ये चली गई। हाँ जी, ये तो जी अपना नेक्टर जमा कर रही है, हनी भी। बाकी जमीन पे बाग वगैरह इतना नहीं लगा हुआ, यहाँ से कोई भी नहीं है यहाँ पर,
शौक से नहीं लगा रहे वो बाग वगैरह अपनी जमीन पे? ये तो आपके वालिद साहब अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका शौक भी है और उनको शऊर भी है, और ये जो कोई भी पौधा हो उसकी बहुत बड़ी ज्यादा हिफाजत करते हैं, और हमें भी ये इनकी देखभाल। आजकल तो अबू इतना घर भी चक्कर नहीं लगाते, गांव में ही रहते हैं, कहते हैं कि पौधे लगाए हुए हैं तो उनकी एक ड्यूटी दे रहे हैं कोई यहाँ पर सबके साथ ही। बाकी हम मिलके मतलब ये सारे मामला किए हैं और सारे खूबसूरती के लिए हमने मिलके किया। ये कितने लगे होंगे अमरूद? काफी सारे हैं, ये 2 एकड़ 2 एकड़ पे लगे हैं। अच्छा अच्छा, जिसपे अमरूद लगाया हुआ जी सर, इसमें मतलब ये 16 कनाल जगह टोटल, ठीक है, 16 कनाल बनती है। और वो पीछे पीछे तो काफी सारी है सर, पीछे भी आपका रकबा माशाल्लाह बहुत ज्यादा, और ये तो पूरे मतलब ये समझ लगे पूरे पंजाब में सबसे जो मतलब जरखेज और सबसे ज्यादा ताकतवर जमीन है ना ये, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको दी है, अल्लाह की है जी सारी, अल्लाह की बात है। इसमें से मतलब इतनी ज्यादा काश्त होती है इस एरिया में, सारी अच्छी जमीन है, अच्छी जमीन है, लेकिन बहुत मतलब भारी है, बहुत अच्छी खासी ये जमीन है सर। अच्छा माशाल्लाह जी सर, होते थे हाँ जी, उनको मतलब जानवरों के साथ है, जो बैल होते हैं ना, बैलों के साथ उनसे मतलब जो है ना पानी निकाला जाता था और पत्थरों को कष्ट किया जाता था सर। हाँ। और ये जो अभी ईंटे हम कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं ना, ये तो हम जानवरों के मतलब चारा के लिए ये कर रहे हैं ना मतलब, ठीक है सही है, इसमें जानवर बांधेंगे और वो ये रिलैक्स हो जाएंगी। तो ये आप बता रहे हैं ईंटे कितनी पुरानी है? ये जो ईंटे लगी हुई है ना कम से कम सर 200 साल से अबव है, क्योंकि अच्छा वही यूटिलाइज दोबारा कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं सर। तो ईंटे आज भी जो है ना, आज के नए दौर की जो ईंटे है ना उनसे भी ज्यादा मजबूत है सर। अच्छा ये वाली जो लगाई हुई है, ये हम लगा रहे हैं और बीच में से निकाल निकाल के, ये जो पहले भी लगी हुई है ना कुछ अंदर भी, ये भी हमने मतलब सोल वगैरह लगाया, मतलब फर्श वगैरह डाला हुआ है, और ये भी जो है ना बहुत पुरानी ईंटे हैं और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये वाली कंस्ट्रक्शन तो मेरे ख्याल से नई ईंटों की हुई है, ये जो कमरा बना हुआ है? नहीं नहीं, ये इसमें से जो अंदर सोल लगा हुआ है ना उसकी कर रहा हूँ। अच्छा, तो अच्छा ये नहीं हुआ, ठीक है, चलो ये तो पुरानी ईंटें इतनी, ये तो पुराने भट्टों की बनी हुई होंगी, वो कंस्ट्रक्शन में इतनी चल रही है। ये समझ इधर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी सॉलिड ब्रेक का ये जो ईंट है ना, मतलब ये 200 साल से अभाव है सर ये ईंट। इसके अलावा ये जो बड़ी पुरानी है जी सर, अच्छा इसका इसका साइज भी और तरह से है, और तरह से, और ये इसका सबसे बड़ा साइज ये देखिए मैं, अच्छा इसका साइज डिफरेंट है जी सर दूसरी ईंट से। नहीं ये तो टूटी हुई है, ये मुकम्मल है, ये भी इससे भी मतलब ये समय लगे खुरदरी खुरदरी सी होकर ना, ये भी हाँ समय लगे थोड़ी सी छोटी हो गई, इसका साइज बहुत ज्यादा लंबा और बड़ा। हाँ ये बड़ी साइज की सही है, सही सॉलिड ईंटों से ज्यादा मुख्तलिफ और भारी है, बड़ी अच्छी है ये, समझ लेकर मजबूत है बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, आज की ईंटों से आज भी ये मजबूत है सर। हाँ जाहिर, और आऊं आपको लेने? कहाँ फंस गया पुत्री, आजो आजो आराम आराम से आजो। चलो मम्मी डैडी जट है हमारी तरह का, स्लो स्लो बन्नी में से आ रहा है, पहुंच ही गया फाइनली। चलो कसम भाई लिया वहां, आप उसके पास ना जाओ, वो काओ आपको देख रही है, देखो इधर आओ। क्या देखने आ जाओ हरियाली? आने नू है मेरी, उलट तो जाने ना ये है जी हमारी बेटी फातिमा तो जहरा, जमीने घूमने आई हुई है और रो रही है। पीछे करके बिठाओ इसे, ट्यूबवेल में तू वही छलांगे मार रहा है बार बार, कपड़े तुमने गंदे कर लिए। ओए ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, आप किधर जा रहे हो? अब आपके पास आ रहे हैं। अच्छा अब इधर आ रहा है, इधर देखो वली
अब ये फिर ट्यूबवेल में घुसेगा, कपड़े गंदे और अच्छा ये अभी नया रास्ता ढूंढ लिया आने जाने के लिए, अब यहाँ से बाहर निकलेगा। देखना पानी तो चला के दिखाऊंगा। नहीं नहीं, फिर ये बच्चे उस मस्ती करेंगे उसमें। हाँ। कपड़े गीले करेंगे, सर्दी है, मारना पड़ जाएगा। और लो जी अब इधर से बाहर निकल रहे नवाब साहब। हाँ जी भाई, कसम कितना वली, क्या कर रहे हो? वो आपको गुस्से से देख रही है, शी इज एंग्री। आपको कहो गुस्से से देख रही है, कहो नो। क्या रोटी डाली अबू जी आपने? नहीं रोटी मैं रोना ना, मैं सबसे मेरे आना। अच्छा अच्छा अच्छा, उठा ले। ओए होए ओए होए ओए होए, खाने भी आए पर है कुछ नहीं खानी हो ये डब्बियां ने। ये सारी गंदम लगी हुई है जी। आ चुके हैं मेरे कज़न की हवेली या फिर डेरे वाली साइड पे, तो मैंने कहा जाते जाते इधर भी एक छोटा सा एक इसका एंट्रो बनाता चलूं। ये इसकी एंट्रेस है, ये डंकी राजा खड़ा है, कोई पटवारी है। और ये दूसरी साइड से, अच्छा यहाँ पर ये डॉक्टर साहब आए हुए हैं जो कोई अपनी डॉक्टरी कर रहे हैं, यानी कि वेटनरी डॉक्टर आया। और यहाँ पर ये सारी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, ब्रिक्स की है, कंक्रीट के जो है वो गार्डर हैं सारे यहाँ पर। और ये सारी अंदर जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है वो ये डंगरों को खड़ा करने के लिए चार दीवारी है इस तरह से। सो ये फोर साइडेड कंस्ट्रक्शन है। और ये डॉक्टर साहब अपना कुछ कर रहे हैं, साथ अतीकु रहमान खड़ा हुआ, इंजेक्शन लग रहे हैं। और ये इसका 360 व्यू। अच्छा ये मुर्गे शुरगे भी हैं यहाँ पर, और ये हमारा वली मोहम्मद भी फिर रहा है यहीं पर। अच्छा ये यहाँ पर कनक कुनक रखने के लिए बैक साइड। अच्छा इस तरह कंस्ट्रक्शन नहीं, स्टेज जा रहे हैं। सो इस तरह के डेरे हैं जी हमारे पंजाब में। वली वो देखो डोंकी राजा, उसके करीब नहीं जाना बस आपने, ठीक है वली? लुक काओ, वो देखो एक और आ गई वीडियो बनवाने के लिए, सारे मुंह ऊपर कर करके देख रही थी। वो पीछे भी खड़े हुए कुछ। और ये यहाँ पे कनक के पड़ोले पड़े हैं, और ये चारा काटने की मशीन, इलेक्ट्रिक टोका। ओए फामा पकड़ लो, डॉगी को नहीं पकड़ना, डॉगी के पास नहीं जाना आपने। मैंने खड़ा मत ले, ये लकड़ियों वाला तंदूर है रोटियां लगाने के लिए है। ओके तो खाना किस पे पकाएंगे? वो भी लकड़ियों वाला नहीं, वो सिलेंडर, वो गैस वाला सिलेंडर। व्यूअर्स ये पिंड का बर्नर हॉब और ये ओपन एग्जॉस्ट, ये बन रहा है दी गजरेला फुल पिंड स्टाइल के अंदर। व्यूअर्स ये हम आए हैं जहाँ पर अभी गाड़ी पार्क की है वो लेने के लिए, और ये दोनों बच्चे जो हैं ये अब मुर्गियों के साथ अपना शौक पूरा कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी यहाँ पर पार्किंग में फुल पिंड मॉल। ये मुर्गियों की इन्होंने सही दौड़े लगवा दी हैं, वो बेचारी वो भी परेशान है कौन से शैतानों से हमारा वो। चलो चंगा वास्ता पे है नाला। ये भी हम लोग कब्रिस्तान आए हैं और फातिहा के लिए, यहाँ पर भी कुछ ये नई कंस्ट्रक्शन चल रही है, और बच्चे जो है ना वो इधर बतखों को पागल कर रहे हैं। ये देखें अभी इनके पीछे पड़ गए दोनों। ले जी आ चुके हैं हम अपने दूसरी एरिया की लैंड पे, ये उसकी एंट्रेंस है, और ये सामने सारा
लैंडलॉर्ड जो कि ये सारा ही रेंटल पे है, ठेके पे है, और यहाँ पर अभी इसकी भी ऑलमोस्ट रेंटल वैल्यू मोर और लेस सेम ही है, 80 to 95 thousand पर मंथ, पर एनम सॉरी। और ये इसका सारा, यहाँ से ये पीटर वगैरह लगा हुआ है, ये पट्टे कुतर रहे हैं इस साइड पे, वो सामने पट्टे कुतर रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं दिखाता हूँ, एक सरप्राइज़ है, वो आगे जाके मैं, वो सामने हुमायूं जा रहा है मेरा छोटा भाई है। और ये सारा साथ साथ ये इसके एक कच्ची रोड जाती है ज़मीन के, और जो इसी को ही सर्व कर रही है। बाकी आगे वो मैं जगह जाके वहाँ पर फिर आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ, कुछ लोगों के लिए तो बहुत यूनिक होगी, कुछ ने देखा हुआ होगा लाइफ में। चलें जी वहाँ जाके फिर वीडियो ऑन करते हैं। ये यहाँ पर मेरा फेवरेट एक दरख्त आ गया, मतलब कि इस तरह के दरख्त मेरे फेवरेट, मैंने कहा ये भी एक वीडियो में कैप्चर कर लूँ। ये साइड हमारी है और ये किसी और की है इस साइड पे। सो ये सारा एग्रीकल्चरल लैंड है, सारी रियल स्टेट। पाकिस्तान में मेजॉरिटी तो अब जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड है उन्होंने बहुत सारी जगहों पे सोसाइटीज़ में कन्वर्ट कर दिए हैं, गवर्नमेंट ने अभी उन्हें एनओसीज नहीं दे रहे, इसी वजह से कि बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड उन्होंने प्लॉट की कटिंग करके लोगों को घरों में दे दिए। ये वो दरख्त आ गया, इस रास्ते से अभी हम लोग आ रहे हैं, ये जा रहे हैं जी चौधरी साहब। और यहाँ पर ये पानी और केले के दरख्त यहाँ पर तो लगे हुए हैं। और ये वो सरप्राइज्ड जगह आ गई, मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ। ये प्रॉपर अब पूरा मज़ार बना दिया यहाँ पे। अच्छा पहले ऐसे नहीं था, पहले खुली थी, चार दीवारी नीचे। ओके इस तरह से ये नौ गजी कब्र है। अच्छा एक ही बंदे की है या तीन बंदे अलहदा अलहदा? एक ही है पक्की बात है। तो इनका कोई नाम वगैरह? नाम तो हमें नहीं पता। नाम नहीं पता, तो ये तो काफी पुरानी होगी फिर। हाँ क्योंकि मैं बचपन में जब आया था तब इधर, अभी खैर कुछ अर्सा पहले भी आया था तो चार दीवारी नहीं थी, कुछ सालों पहले। हाँ छोटी छोटी सी थी दीवारें। और इस तरह से अच्छा ये एंट्रेंस बना दिए, चलें फातिहा पढ़ते हैं और बस फिर चलते हैं। तो ये था व्यूअर्स मेरा शॉर्ट ट्रिप टू माय विलेज माय पिंड बेगोवाला, अ वीकेंड वेल स्पेंट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नाउ वी आर गोइंग बैक टू इस्लामाबाद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना और अपने गिरदनवा का बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।